सबको जो आप मतलब जैसे कोरोना की जो मतलब कहर आ चुका है देश भर में, तो पूरे लोग उसके पीछे ऐसे लग गए हैं। और जरूरी भी है कि उनको एक बड़ी से बड़े अस्पताल हो, दवाई हो, ये सारी चीजें उनको वो करनी चाहिए, लेकिन वो ना करके बस्तर का खास करके मैं बताना चाहूंगी कि कोरोना एक तरफ रखा गया है, लेकिन हमारे जो आदिवासियों के साथ जो वर्षों से शोषण हो रहा है, वो तो ज्यादातर अब तो उससे भी ज्यादा हो रहा है। कोरोना को तो एक साइड रखा गया बस्तर में, अभी लगातार ये कोरोना के चलते लोग मतलब पुलिस फोर्स जाती है, गश्त जाके लगातार लोगों से एनकाउंटर हो रहा है। अभी तो ये कोरोना के चलते चलते हमारे 2-3 महीने में तो हमारे यहाँ पर मतलब 15-20 लोग हमारे लोगों का एनकाउंटर हुआ है, जिसमें से 10 आकलन ऐसा है कि 10 लोग को मार दिया गया, बाकी लोग तो घायल हैं। लेकिन उनको कैसे बोले, बताते हैं कि नहीं 144 की धारा लगी है, कोरोना लगा हुआ है, आप कुछ भी इस बात को नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन जब इनको कैसे अधिकार मिला है कि ये कैसे जाके गांव गांव में जाके गश्त लेके लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जेलों में बंद कर रहे हैं, तो इनके लिए कोई कोरोना जैसी चीजों की क्यों इनको डर नहीं है, बाकी आम जनता को क्यों इस तरह के तकलीफ है। जो रही सवाल जो शिक्षा की बात है, जैसे आज बोल रहे हैं कि ऑनलाइन में पढ़ाई करनी है, लेकिन ऑनलाइन में पढ़ाई तो शहर का बच्चा करेगा, लेकिन मेरे जो आदिवासी भाई जो जंगलों के अंदर में, जो गांव के अंदर रहते हैं, जहाँ कोई नेटवर्क नहीं, कुछ नहीं, तो उनकी शिक्षा में भी एक कमी आ रही है ना, तो वो अपनी शिक्षा भी नहीं ले पा रहे हैं। और आज तो ऐसी स्थिति आ गई, हमारे जो नौजवान लड़के हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, 10वीं 12वीं इस तरह के बच्चे, आज नक्सल और पुलिस के बीच में ऐसे फंस गए हैं। अभी कई ऐसे हमारे कुछ नौजवानों की भी हत्या हो चुकी है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि ये लोग समय पे स्कूल जैसे खुल जाती थी तो लोग अपना स्कूल के लिए आगे बढ़ जाते थे, लेकिन आज की स्थिति में लोग गांव में रहने लग गए हैं, तो नक्सल बोलती है कि पुलिस के मुखबिर, और पुलिस कहता है कि नहीं वो नक्सल के मुखबिर है। दोनों के बीच में मेरे वो नौजवान जो युवा युवा पीढ़ी है, उसका उनको इतना डर हो गया कि जो युवा पीढ़ी भी आज के स्थिति में बहुत ही दयनीय स्थिति है, क्योंकि कई हमारे नौजवानों को इस मौत के घाट उतारा गया, चाहे वो पुलिस की तरफ से उतारा गया, चाहे नक्सल की तरफ उतारा, पर मरने वाला तो हमारा अपना भाई, अपना आदिवासी आम जनता का, उस जगह का इंसान था। तो ये स्थिति यहाँ है। और रही सवाल यहाँ पर बस्तर की बात बोलूं तो यहाँ जल जंगल जमीन के तो इतना दुर्गति कर रहे हैं। और अभी जैसे बोधघाट को लेके हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट ने बोधघाट को लेके सिंचाई के लिए उनको एक परियोजना बहुत बेहतरीन बनाने की बात कर रही है, लेकिन अब लोग आगे निकल के अपनी बात रखना चाहते हैं कि हमको बोधघाट परियोजना जैसे चीजें नहीं चाहिए, हमको कोई सिंचाई के लिए नहीं करना है, लेकिन वो निकले तो कैसे निकले, वो किसको बताएं, क्योंकि उनको तो ये बोला जा रहा है ना कोरोना है, कोरोना के चलते आप अपनी बात भी नहीं रख सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, 144 की धारा है। लेकिन यो जब वो बात है तो फिर इस वक्त हमारी जो कांग्रेस गवर्नमेंट है क्यों बोधघाट के पीछे पड़ी, जिसमें हजारों लोग का गांव उजड़ जाएगा, हजार आदिवासी बिखर जाएंगे, उनको कह रहे हैं कि नहीं उस जगह के बदले में हम दूसरा जगह देंगे। लेकिन हमारा इसमें कहना है कि पहले बात तो हो जाए, कि उनसे बात तो करे कि वो क्या चाहते हैं गांव के जो रहने वाले, वो भी मतलब ये कह रहे हैं, जैसा कि अभी अडानी को लेके पिछले बार हम लोगों ने 7 दिन के आंदोलन किया था, जिसके वजह से गर्म सभा को ले, वो फर्जी गर्म सभा था, सरकार भी मानी, जांच रिपोर्ट में भी आया कि वो गर्म सभा फर्जी था, और इसलिए फर्जी का करार देते उसको पूरा रद्द किया जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि उस जमीन का जो है हमको समुदाय के एक हमारे पंचायत को पट्टा दिया जाए, लेकिन नहीं, अडानी क्या जो है, अडानी फिर से उस जगह पे अपनी कंपनी लगाने के लिए बहुत रफ्तार से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोग भी उस चीज को विरोध करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको फिर वही बात आ जाती बार बार कि कोरोना है, अब वो नहीं कर सकते, मतलब फोर्स किसी ना किसी तरह से रोक रही है। जैसे इसके चलते बोधघाट हुआ, हमारे अडानी का जो नंदराज पहाड़ है, जो देवी देवता का स्थल माना जाता है, जिसके लिए पिछले बार विरोध किए हैं, तो उसमें अडानी बहुत रफ्तार से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अलनार में जो है हमारे बहुत बड़ा एक मतलब वहां पर भी एक माइनिंग को लेके वहां भी कंपनी वाले आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जिंदल भी अपने आप को आगे बढ़ने, तो इनके लिए मतलब ऐसा हो गया, हम लोग सोच में पड़ गए हैं कि भाई इनके लिए कोई कोरोना नहीं है, इनके लिए पूरा सरकार उनके साथ है, प्रशासन उनके साथ है, पुलिस बल उनके साथ है, लेकिन जिनके जल जंगल जमीन है,
उनके लिए तो कोरोना की बात करके 144 के द्वारा बोल के उनकी कोई बात ही नहीं सुनना चाहता। तो इस तरह से एक तरफ से देखा जाए तो मैं मानती हूँ कि कोरोना हमारे लिए बहुत ही बड़ी मतलब गंभीर विषय है और वो वाकई महामारी बीमारी है, सबको पूरे देश मिला के रख दिया है। तो इसके लिए बहुत बेहतरीन इलाज और बहुत सही चीज हम सबको उसके योगदान होना चाहिए। लेकिन बस्तर में इसके चलते ये सारे माइनिंग के लिए हमारे जल जंगल जमीन को इसी इसी मतलब समय पे क्यों इस तरह से एकदम आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल आगे आ रहे हैं। और ऐसा ही हमारे जैसा मैं ये कहूँ कि वन अधिकार के तहत जो पट्टे की बात कर रहे सरकार ने, तो अभी पिछले बार 9 अगस्त की बात हुई थी, 9 अगस्त में हम लोग बोले कि हमारे लोगों को वन अधिकार की पट्टे दिया जाए। सरकार ने तो घोषणा कर दिया कि हम देंगे, लेकिन मेरा उसमें ये करना, कुछ तो राज्य सरकार की भूमि है तो कुछ वन अधिकार, फिर जंगल में जो आदिवासी रह रहे हैं उनको ये अधिकार क्यों नहीं है? क्यों आदिवासी ये बोल के क्यों जाता है? शिकार करने के लिए भी वो क्यों पूछ रहा है सरकार से कि हम शिकार करने जाएं या नहीं जाएं? अगर वहां के मतलब कोई उनका आवश्यकता के अनुसार लकड़ी की जरूरत होता तो क्यों पूछ रहा है? अगर उसको एक बांस के बांस होता है ना जो हम लोग के मतलब लोग खाते हैं बांस की वो वास्ता करके, उसके लिए क्यों पूछना है? मतलब एक तरफ से और भी इसी समय ऐसा कानून ला रहे हैं, इसी समय हर चीज को ला के जबरदस्ती उनको पूरे अपने अंडर में लेना, तो कहीं ना कहीं पूरे केंद्र सरकार राज्य सरकार की पूरी साजिश दिखती है। तो हम तो ये चाहते हैं कि अगर संसद जैसे जगह में पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे, विपक्ष नहीं बोलेंगे, तो क्या होगा इस देश का? और ऐसे ही चाहे दलित हो चाहे आदिवासी हो जिनकी जल जंगल जमीन हो, इनके लिए तो बहुत ज्यादा खतरे की बात है। अगर विधानसभा में कोई नहीं उठाएगा, मतलब संसद में जाके कोई नहीं उठाएगा, इस समय संसद में बैठने की वो नहीं रहेगी, तो ये तो सरकार के लिए बहुत आसानी से ये वो करेंगे, क्योंकि कुछ में या किसी के एनकाउंटर भी हो रही है ना, किसी को घर से उठा के ले जाके मार रहे हैं, कोई जंगल में कुछ काम कर रहा है उसको उठा के ले जाके मार, जैसे हम बोलने की कोशिश करते हैं तो सीधा बोलते हैं अर्बन नक्सलाइट, नहीं ये तो माओवादी है, ये उनकी सपोर्ट कर रही है, ये माओवादी की तरफ से लीडरशिप करते हैं इन लोग, ये बोलते हैं। हम विपक्ष की इंतजार करते हैं कि विपक्ष कुछ बोले। आज यहाँ कांग्रेस का गवर्नमेंट है तो उसकी तो कई अन्य पार्टियां भी है, वो पार्टी भी कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। अभी जैसे NI जो दारा है, अभी पहले यहाँ का SP और यहाँ के सारे प्रशासन और मतलब पुलिस बल ये कहती थी कि नहीं, जन सुरक्षा अधिनियम के तहत लोगों का हमारे आदिवासियों को बहुत संख्या में डाला जाता था तो भाईजात रिहा हो जाते थे बहुत ज्यादा। तो अब इन्होंने कह दे रहा कि NI के दायरे NI के तहत डाला जाए, तो उस केस में पूरे मतलब जो लोग घर उठा के ला रहे हैं उनको भी NI में डाल रहे हैं। NI कोर्ट में हमारे बस्तर संभाग में एक ही कोर्ट है, ऑलरेडी हमारे लोग इतने लोग जेल में अंदर बंद है। अब ये कोरोना एक तरफ है और यहाँ पर बस्तर में तो पूरा अड़कम मचा के रखी है। और जैसे कि ये बहुत बड़ी मुद्दा है, सर्वा जुड़ों के समय कैसे आदिवासियों को मारने की कोशिश की है, उसके बाद नक्सल के नाम से कैसे आदिवासियों को जेलों में बंद करना और उनकी हत्या करना, अब तीसरा और एक यह अभियान चल रहा है। इस कोरोना के समय में यह अभियान को चालू कर दिया, लोन वराटू का मतलब होता है आदिवासी में घर को लोन बोलते हैं, वराटू मतलब आओ, तो लोन वराटू का एक अभियान चला रहे हैं। हर पंचायतों में लिस्ट ठान दे रहे हैं कि उस पंचायत के व्यक्ति, मान के चलो 200 लगभग है उस पंचायत में, वहां ये कह दे रहा है कि ये 15 लोग माओवादी हैं। तो मैंने सवाल पूछ रहे हैं, हम जैसे लोग सवाल पूछ रहे हैं, वो साथी भी हमसे बोल रहे हैं कैसे दीदी, हम लोग तो घर में ही रहते हैं, घर में रहते हैं तो घर में कैसे आए? तो हम बोले कि आप सवाल करो कि हम माओवादी नहीं है, हम खेती किसानी करते हैं, घर में रहते हैं, पर ये माओवादी कैसे हो सकते हैं? ये बहुत ज्यादा इसमें हर पंचायत में 20-25-30-40 इन्होंने टारगेट लगा लिया है कि हम माओवादी को सरेंडर करवा रहे हैं, लगभग मतलब 5,000 इनके अंदर में टारगेट है। उस 5,000 में पूरे मेरे आदिवासी ही लोग हैं जो खेती किसानी करके घरों में खा रहे हैं, जी रहे हैं, रह रहे हैं, उनको माओवादी के नाम से सरेंडर करवा रहे हैं। अगर सरेंडर करने के लिए भी 3 ऑप्शन दिया गया है, अब सीधा सीधा SP और यहाँ की जो सरकार की जो अभियान जो सरकार यहाँ चलवा रही है, SP वगैरह सब एक ही बात बोलते हैं, एक बात बताइए आप सरेंडर करेंगे या जेल जाएंगे? अगर सरेंडर करना है तो बचोगे, जेल जाओगे तो बचोगे, फिर या तो एनकाउंटर, 3 चीज में आप लोग चुनो कि मरोगे, जेल जाओगे या सरेंडर करोगे। ये हमारे आदिवासी भाइयों को सीधा स्पष्ट खुलेआम बोला जा रहा है कि ये 3 ऑप्शन में तो हम लोग चुन लेते हैं, नहीं हम तो माओवादी है भी नहीं लेकिन डर है, हमको बचना है, ये सोच के वो लोग सरेंडर कर लेते हैं। तो
ये चीजें इतनी दयनीय, मतलब मेरा ये सोच के मैं परेशान हूँ कि कोरोना के चलते ऐसे अभियान चला कि हमारे आदिवासियों को क्यों इन लोग मतलब लाखों संख्याओं में सरेंडर कर रहे हैं, जो माओवादी है ही नहीं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, जब तक माओवादी तब होंगे ना जब वो मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट उसका ये करेगा कि माओवादी है या नहीं तय कर। यहाँ का एसपी कैसे तय कर सकता है, सरकार कैसे तय कर सकती है कि वो माओवादी है। अब उसको ये बोल रहे हैं घास उठा के ला रहे हैं, तो इस तरह से हमारे जो मतलब बस्तर के अलग बहुत ज्यादा मतलब दयनीय स्थिति है। दूसरी बात, यहाँ की जो बेरोजगारी है, जो लोग आंध्र प्रदेश में जाके अपना मतलब मजदूरी करते थे, उनके लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा है, उनके लिए कुछ नहीं वो किया जा रहा है। तेंदू पत्ते इस बार जो बहुत ही अच्छा उस लेवल पे बिकती थी वो नहीं हुआ, इनका मूल कंद भी नहीं बिकी गई, मार्केट नहीं लगाया गया। तो इस तरह से वो दैनिक स्थितियों को उसको गंभीर रूप से सोचना चाहिए सरकार को। वो नहीं करके बस आदिवासी का मरने की संख्या इतना ज्यादा बढ़ा के रख दिया है कि जिसका कोई हद नहीं। सरकार ने तो घोषणा भी कर दिया था कि नहीं हमारी सरकार बनेगी तो हम मतलब ऐसे जो नक्सल के नाम से जो जेलों में बंद है उनको हम छोड़ देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं छोड़ा। जिनको छोड़ा है वो छोटे मोटे केसेस के लोग, कोई चोरी कर रहा था या कोई कुछ और कर रहा था ऐसे है। लेकिन नक्सल के नाम से अभी तक जो केसेस है उसमें नहीं छोड़ा गया है। तो ये है, तो मैं बार बार ये कहूंगी कि जैस जितना हो सके हम सब लोगों को मिलके, जैसा पार्लियामेंट में अगर इस तरह से हमारे कुछ ऐसे साथी भी हैं, हमको उम्मीद है विश्वास है कुछ ऐसे हमारे साथी हैं जो वहां जाके इस बातों को रख सकते हैं, बोल सकते हैं, अगर वो हो जाए तो शायद कुछ हो सकता है और विधानसभा में भी बात उठनी चाहिए। हम लोअर मराठों के लिए कोई नहीं कह रहा है, कोई भी पक्ष बोलने को तैयार नहीं, और इस चीज को कैसे करें हम कैसे लड़े। अगर हम लोग अपने जैसे लोग अगर आके बोलते हैं तो उस तरह की बातें की जाती है, और इधर माइनिंग को इतना रफ्तार से उसको कब्जा में, आप को यार यकीन नहीं करेगा बस्तर में तो माइनिंग के लिए इतने लोग आ गए हैं कि हर बार हम लोग को जंगलों में अभी तो मतलब देख घूमते सकते नजर हैं आ आप, रहे हैं। मेरा तो फील इस तरह से हो रही है, और अडानी के लोग आए हुए हैं यहाँ पे, जिंदल के लोग आए हुए हैं यहाँ पे, अलनार में हर छोटी मोटी कंपनी के लोग आए हैं, बोधघाट को अलग चालू करने के लिए उधर सब लगे हैं। तो आदिवासी की तो पूरी हालत ही तस नस हो गई है ना, तो सोच में पड़ गए हैं, लड़े तो कैसे लड़े, कोरोना है इस वजह से हम नहीं लड़ सकते, सरकार हमको उससे बड़ी सजा देगी, ये मतलब इस तरह से इनके अंदर में डाल के। लेकिन क्या मेरा सवाल है, क्या कोरोना के चलते क्या ये लोग भी अपने काम धाम को रोक नहीं सकते? इस कंपनी वाले को क्यों इतना बस्तर में घुसा के मतलब ऐसा ऐसा हमको आके बताने लग गए, नहीं नहीं ये तो 1 महीना में चालू होने वाले, 15 दिन में चालू। तो हम सोच के परेशान कि हम लड़ाई कैसे करें, हमारे लोग जंगलों में जो रह रहे हैं हमारे आदिवासी, वो भी बार बार कह रहे हैं हमको आंदोलन करना है, हमको अपनी आवाज को पूरे देश भर में पहुंचाना है, संसद में पहुंचाना है, पार्लियामेंट में पहुंचाना है, विधानसभा में पहुंचाना, नहीं हम अपनी जल जंगल जमीन नहीं देंगे। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि इसको कोरोना के चलते हमारे जल जंगल जमीन को बहुत बेहतरीन छीनने का एक उपाय ये लोग ने ढूंढ लिया है, और बहुत जल्दी ये लोग उसमें अपने आप में कंपनी लगा कब्जा करने की बहुत कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार जेलों में जो लोगों को रोज का जेल में भेज रहे हैं, सरेंडर करवा रहे हैं, ये सारा चीजें यहाँ स्थिति है ना। तो यह शिक्षा के बारे में सोचा जा रहा है, ना मजदूर के बारे में सोचा जा रहा है, ना स्वास्थ्य के बारे में सोचा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बस्तर का जल जंगल जमीन को कैसे छीनना है, उनको बेदखल कैसे करना है, आदिवासी को कैसे मारना है, उनकी संख्या को कैसे कम करनी, बस ये बहुत ज्यादा चल रहा है, जिसके लिए कोई भी विपक्ष के दल अभी तक किसी भी तरह की आवाज नहीं उठा रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, जो किसान ट्रैक्टर में, किसान अपना ट्रैक्टर को मतलब 10-20 लोग मिलके थोड़े थोड़े पैसे जमा करके ट्रैक्टर खरीदे, और वो लोग अपना ट्रैक्टर को चला के खेती किसानी कर रहा है, उनके ट्रैक्टरों को जब्त किया जा रहा है, वही कह रहा है ये तो नक्सल में तुमको खरीद के दिया, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। तो कह रहा है कि भैया हम लोग 5-10-20 लोग मिल के ट्रैक्टर खरीदे, क्योंकि हमारे पास अभी गाय है ही नहीं, हमारे इस बार का हमारे लिए बहुत बुरा हाल है, हम अपने मूल खंड भी बेच नहीं पाए, तो हम इस तरह से ट्रैक्टर खरीद उनके ट्रैक्टर को नक्सल, नहीं, तुम लोग झूठ बोलते हो, ये तो सब नक्सलवाद खरीद के दें, वो ट्रैक्टरों को जब्त कर रहे हैं, वो ट्रैक्टर को जब्त करके अपने अंडर में रख रहे हैं और उनको जेलों में भेज रहे हैं। तो कैसे होगा ये, हमारे लोग तो मतलब इस कोरोना के चलते इतना बुरा हाल है ना, तो वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, एक प्रकार से ये स्थिति है देश। तो ऐसा होगा तो देश का क्या होगा, या मतलब हम आदिवासियों का क्या होगा, बाकी जनता का क्या होगा, ये तो हर जगह की स्थिति है और हर जगह यही हाल हो रहा है। लेकिन ज्यादातर जो मेरे को देखने को बस्तर में मिल रहा है, तो मैं तो वाकई बहुत एक बंद रूम में
बट सोचने के सिवा कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि मुझे कहीं नहीं निकलने दिया जा रहा है। मेरे घर घर में चस्पा कर दिए हैं, आप कहीं नहीं जा सकते। अगर जाना है तो आप 24 घंटा पहले बताओगे। जब 24 घंटा पहले बताती हूँ तो मुझे जैसे आगे बढ़ती हूँ मुझे रोका जाता है, मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। जो लोग मेरे पास मतलब गाड़ी नहीं है तो मेरे पास जो टैक्सी देते हैं उनको ये बोल के डराया जा रहा है कि अगर उसको अगर गाड़ी देते हो और आगे बढ़ने के लिए नक्सल के नाम से तुम्हारी गाड़ी को सीज कर देंगे, तुम्हारे तुमको भी नक्सल के नाम से हम अंदर कर देंगे। मतलब इतना ज्यादा, क्योंकि मुझे इस बात का बहुत तकलीफ है ना, विपक्ष ने बोला था हम क्यों चुप बैठे, हम तो जितना हमसे हो पाएगा हम बोलेंगे, लेकिन नहीं, पूरी तरह से मतलब हमको रोका जा रहा है बार बार। मुझे तो अभी आप यकीन नहीं करोगे, इस कोरोना के चलते इतनी नोटिस आए हैं कि उसमें यही लिखा जाता है सोनी सोनी अपनी जबरदस्ती इधर जाने की कोशिश करती है, उधर जाने की कोशिश करती है, उसके बाद यही कहने की कोशिश करेंगे कि नहीं ये नक्सलवाद से मिल। तो मेरा कहना, मेरे पीछे भी तो जवान है, मेरे पीछे भी तो दो जवान मेरे साथ घूमते हैं, तो फिर मेरे को आगे बढ़ने क्यों नहीं जा रहे, जिसकी जल जंगल जमीन छीनी जा रही है। जैसे बोधघाट के लिए इतना आंदोलन करने के लिए लोग बार बार आवाज दे रहे हैं कि आप आओ, लेकिन हम वहां नहीं जाने दे रहे हैं। अडानी के जो ये पहाड़ को कब्जा करने के लिए हो रहे हैं, वहां के लोग आंदोलन की बातें कर वहां नहीं जाने दे रहे हैं। आलनार में है, जिंदल है, मतलब इस तरह से चीजें हैं कि हम भी बहुत इस चीज को लेके परेशान तो हैं, पर मैं मतलब मेरी अपील यही रहेगी कि विपक्ष भी इस बात को बेहतरीन उठाए, क्योंकि बस्तर का बहुत बुरा हाल है। और अपने जैसे लोग को करो तो फिर वो नक्सलवाद के गिना, जैसे आज प्रशांत भूषण जी को देखिए क्या हुआ, फिर हमारे सुधा दीदी का देखिए क्या हुआ। तो यहाँ जो भी लड़ना चाहेगा वो नक्सलवाद है, क्या नक्सलवाद हमको कह देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जो काम करते पूरा दुनिया देखते हैं, सब लोग जानते हैं कि हमारा लड़ाई खुला किताब है। हम जल जंगल जमीन और अपनी जनता अपने इस लोगों के लिए ये कदम उठाते हैं करते हैं। लेकिन मुझे इस बात पे पूरा भरोसा है कि अगर संसद में अगर पार्लियामेंट में हमारे कुछ साथी चले गए हैं तो इस बात उठाए, क्योंकि राज्यसभा में भी हमारे छत्तीसगढ़ से महिला ही बने हैं। तो मैं उन सब महिलाओं से भी मेरी अपील रहेगी कि ये जो कुछ हो रहा है वो अपनी बात को इन सब बातों को रखे, हर राज्य की हर जगह की बात को रखे, और ये अगर नहीं रखेंगे तो बहुत बुरा हाल है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा। बिल्कुल